राधे राधे आप सभी को। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपका जो डेली रूटीन है वो क्या है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप क्या करते हो। अब देखो, अगर मैं आपको ऐसे ही बताता, मतलब थ्योरेटिकली कि मैं ये करता हूँ, तो शायद आपको बिलीव नहीं होता। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि मैं पूरे दिन में जो काम करता हूँ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, जो करता ही करता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक छोटा सा सैम्पल वीडियो है, मैं अभी आपको आगे ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए जो भी पूरे दिन में मैं करता हूँ और किस तरीके से जो मेरा दिन है, वो जो साइकिल है पूरे दिन की, वो निकलती है। आप एक बार देख लीजिए इसको। तो देखो यार, यहाँ से जो मेरा दिन है वो बिगिन होता है। सबसे पहले मैं ऊपर आकर अपनी छत पर पानी भरता हूँ, ठीक है। और पानी भर के ये जो बाल्टी है, छोटा सा बकेट है, इसमें पानी भरने के बाद ये जो चिड़ियों का पानी है इसको धोता हूँ, साफ करता हूँ। साफ करने के बाद जो पुराना पानी से नया पानी रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे अभी ये इस समय गंदा हो रखा है। अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको साफ किया जाएगा पहले, और साफ करने के बाद जो बाकी का पानी है, शुद्ध ताजा पानी, वो चिड़ियों के लिए डाल दिया जाएगा। और छत पे आप शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन कौवे, चिड़िया, कबूतर, तोते, ये सब हमारी छत पे आते हैं और पानी का आनंद उठाते हैं। अब देखिए, इसके बाद आते ही मैं सबसे पहले एक गिलास दूध, घर के बाहर जो हमारा वफादार कुत्ता बैठा रहता है, ठीक है, इट इज़ नॉट माई पर्सनल पेट, लेकिन हाँ, आप लोगों के घर के बाहर भी कोई ना कोई कुत्ता बैठा रहता होगा। तो ये ब्लैकी सारे टाइम बेचारा घर के बाहर ही बैठा रहता है, इतना हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ आके ये दूध का आनंद उठाता है। अब इसके बाद हम चिड़िए, कौए, इन सबके लिए कुछ ना कुछ डालेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये इस डिब्बे में सेब है, ठीक है, ये केवल जो है चिड़ियों के लिए ही सेब आते हैं, ठीक है, इनमें कोई मिर्च मसाला कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल प्लेन सेब आते हैं, ये चिड़ियों के लिए ही आते हैं। और फिर ये मटरी है, ये घर में बनाई है हमने, मोटी मटरी, जैसे हम अपने लिए बनाते हैं तो उसी टाइम पे हम इनके लिए भी बना देते हैं। अब इसके बाद देखो, ये मेरा जो घर है इसका ये छोटा सा एक मुरेड का पार्ट है ना। तो जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई थी, नमकीन हो गया, मटरी हो गई, और साथ में कभी कभी मैं बूंदी भी डालता हूँ, मीठी बूंदी जो आती है, और जैसे घर में भी कभी कुछ पोहा बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और बड़े ही चाव से खाते हैं, बड़ा मजा आता है मेरे को इन सबको देख के। और ये आप देख रहे हैं कि जो मेरा मुरेड का हिस्सा है घर के गेट का, यहाँ पर आप मानोगे नहीं, आपको सभी तरह के पक्षी मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे भी पक्षी मैं आपको दिखा दूंगा कि जो शायद विलुप्त हो गए, ठीक है। बहुत सारे पक्षी आते हैं, कौवे हो गए, कबूतर हो गए, तोते हो गए, उसके बाद जो कोरोना के टाइम पे जो चिड़िया विलुप्त हो गई थी, एनी गैसेस? यस एग्जैक्टली, गौरैया चिड़िया, ठीक है, तो वो भी चिड़िया यहाँ आती है, सबका मतलब फिक्स है शेड्यूल जो है इनका, बड़े प्यारे हैं लोग। और कौवे भी एक आध नहीं, एक आध स्टार्ट होगा, फिर दो, फिर चार, फिर तीन, फिर पांच, इस तरीके से कौवे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, ये जो चिड़िया है ये साधारण चिड़िया है, ठीक है, और ये तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गोरैया और ऐसी ऐसी भी चिड़िया देखी है मैंने जो नहीं मिलती देखने को जनरली, ठीक है। अभी देखिए, जब चिड़िया ज्यादा हो जाती है तो कुछ हम जमीन पर डाल देते हैं और कुछ हम मुरेड़ी पर डाल देते हैं, ताकि जो है सब मिलकर खा लें, वरना आपस में लड़ाई करती हैं, और आपको पता ही है हमेशा पावरफुल ही जीतता है वरना। और इन पक्षियों के बाद जो आते हैं वो हमारे बंदर महाराज, ठीक है, बंदर मामा, और ये जो है ना, ये जब आते हैं तो सारी चिड़िया बेचारी डर के मारे ऊपर चली जाती हैं, और ये पहले तो एक आएगा, उसके बाद ये अपने गैंग को बुलाएगा, अब एक, फिर दो, फिर तीन, इसी तरीके से बंदरों की लाइन लग जाती है। और आपने ऊपर तार पे देखा होगा कि तारों पे चिड़िया बैठी रहती है, ठीक है, या सामने वाले जो बिल्डिंग है उस पे चिड़िया या कौवे चले जाते हैं जब बंदर आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी चिड़िया और बहुत सारे कौवे और बहुत सारे बंदर आते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो आते हैं, दे आर इन बंच, और इन सबका टाइम जो है ना वो बिल्कुल फिक्स है, सब अपने अपने टाइम पर ही आते हैं, मतलब हम इतना पंचुअल नहीं रहते अपने शेड्यूल को लेकर, या हम इतने डिसिप्लिन नहीं रहते। मैंने देखा है कि सबका फिक्स टाइम है कि 7 बजे कौओं को आना है तो कौए ही आएंगे, 7:30 बजे चिड़ियों को आना है तो वो 7:30 बजे चिड़िया ही आएंगी, फिर उसके बाद 8 बजे तकरीबन गौरैया चिड़िया आनी है तो वो ही आएंगी, 8:30 के समथिंग बंदर आएंगे तो बंदर आएंगे, तो सबका जो है ना एकदम शेड्यूल फिक्स है। और देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आपको शायद बिलीव नहीं होगा, पर मेरे घर का जो जब हम स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो वहीं चिड़ियों ने अपना एक घोंसला बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए,
बहुत ही प्यारा घोंसला है ये चिड़िया बेचारी। कम से कम कोई 15-16 दिनों से रोज़ एक एक दाना लेके आती थी, एक एक तिनका लेके आती थी, और फिर इस घर को इसने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत घर है, शायद अब आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। और ये देखिए, ये मैंने तब लिया जब ये जो चिड़िया थी ये इस घोंसले में बैठी हुई थी, और इसने अब अंडे दे दिए, मैं आपको बता दूं। और ये सारे टाइम इन्हीं के साथ बैठी रहती है, शायद इन अंडों को सेती है या इनकी रक्षा करती है, जो भी चीज़ है। तो देखो, जब आप नेचर से, इन बेजुबान पशु पक्षी से, जानवरों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ना, या आप कनेक्ट करने की चाह रखते हो, तो दे ऑल्सो कनेक्ट विद यू। वो आपको कोई ऐसा साइन या कोई ऐसा सिग्नल डिपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको चीज़ों से पता लगने लगता है जब टाइम से सारे लोग पंचुअलिटी के साथ, ठीक है, अपने अपने टाइम पे सारे लोग आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर किसी भी दिन मैं एक भी दिन लेट हो जाता हूँ ना डालने में, तो ये चाय चाय करके मतलब हल्ला मचा देते हैं पूरे घर में, एज इफ लाइक दे आर इंसिस्टिंग कि भाई आज क्या हुआ, कहाँ रह गया, इतना लेट कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा है। अब देखो, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम डालते हैं गौ माता के लिए हरा चारा, ठीक है। आप देख रहे हो ये थैला है, और लगभग इसका 1/4 पार्ट, ठीक है, हरा चारा से पूरा का पूरा भरा रहता है। और सुबह ही हम इसको ले आते हैं, पास में ही मिलता है, सुबह जब भी हरा चारा आता है बहुत ही फ्रेश एकदम, तो हम गौ माता की इससे सेवा कर पाते हैं और ये हरा चारा उनको दे पाते हैं। आपको पता है कि गौ माता की कितनी ख़राब स्थिति हो रखी है इस समय। तो देखो, इस तरीके से हमने घर के बाहर काफ़ी बड़ी लड़ावनी रख रखी है, ठीक है। ये इसमें पूरा का पूरा हरा चारा हम भरते हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार गैया यहाँ पे आ जाती हैं, और बड़े मज़े से, बड़ा खुश होकर ये सारे जो है हरा चारा खाते हैं। ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है ये गौ माता के लिए है। आपको शायद पता भी होगा, गौ माता में हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है ना। तो बड़ा ही अच्छा लगता है गौ माता की सेवा करके। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि यदि किसी दिन चारा नहीं आ पाता, तो जो गौ माता है वो बिल्कुल घर के अंदर ही आ जाती है। दिखाता हूँ मैं आपको, उसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाई। ये देखिए, ये गौ माता जो है बिल्कुल अंदर ही आ गई है। आ जा, आ जा, ले, आ जा, ले, ले, आ जल्दी आ जा श्यामा, हाँ ले जल्दी आ। नाराज हैं बेचारी, ये आज कह रही है कि आज चारा खाए और आज जो है केवल मटरी और केला और ये हरी सब्जी में ही निपटाया जा रहा है। आ, आ, ले, ले, आ, आ। और देखो, मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, देखो ये सारे टाइम है ना इसी गाड़ी के नीचे बैठा रहता है हमारी। और अब देखो, अभी ये आवाज मार देता है जब उसको बाहर जाना होता है, तो उसने बाहर जाने के लिए आवाज मारी थी और ये पूंछ हिलाने लग जाता है। और ये अकेला नहीं, इसके बाकी सारे वीडियो लोग भी बैठे रहते हैं, है ना, तो पूरा गैंग है इनका, वो बैठा रहता है। अभी इसको जाना था तो इसने आवाज़ लगा दी, बाकी गैंग को जब जाना होगा वो आवाज़ लगाएंगे। तो थोड़ा सा कॉपरेट हम भी करते हैं इनके लिए। अब ये देखिए, ये अभी हमने चींटियों के लिए जो है भुना है, और मीठा है सारा, और इसमें बूरा मिला के ये पंजीरी है, और इसको चींटियों के लिए बनाया गया है ना। और अब इनको मिक्स कर दूंगा मैं, मिक्स करने के बाद फिर हम इनको चींटियों को डालने जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको जो है चारों तरफ मिक्स करने के बाद इस पन्नी में करके फिर हम इसको चींटियों को डालने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे, ये हमारे यहाँ का एक पार्क है, ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ का एक पार्क है, बड़ा ही अच्छा पार्क है, सभी लोग यहाँ घूमते हैं। और अब मैं यहाँ क्या करूँगा वो भी आपको जल्दी दिखाऊंगा। देखिए, ये हम आए हैं गांधी पार्क, आपको दिखा देता हूँ, बड़ा अच्छा पार्क है यहाँ पर। ये ठीक है, और देखो ये आपको दिखाता हूँ मैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल सा पौधा है। हाँ बेशक ये दिखने में बहुत ही एक साधारण सा पौधा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर साल में तीन दिन, दैट इज़ 26 जनवरी, 15 अगस्त और अपने जन्मदिन के दिन मैं आसपास के पार्क में ज़रूर एक पौधा ज़रूर लगाता हूँ।
ठीक है, और ये काफ़ी सालों से नियम चला आ रहा है। और ये देखिए 15 अगस्त को मैंने पौधा लगाया था और देखिए कितना बड़ा हो गया है, धीरे धीरे करके जो है हाइट भी इसकी बढ़ रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं आता हूँ उसको देखता हूँ तो एक अपनापन सा फील होता है, ठीक है। और आज 27 सितंबर है, आपको पीछे से वो नवरात्रि वाली वो वॉइस की आवाज़ें भी आ रही होंगी वचन वगैरह की, है ना। तो आप देख लीजिए केवल 40-42 दिनों में ये एक अच्छा सा पौधा बन के उभर रहा है ना। तो बड़ा ही इससे मैं रिलेट कर पाता हूँ और बड़ा ही अच्छा लगता है ये देख कर। चला जा, हाँ पकड़ियो, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम रोज़ यहाँ पर आते हैं। और सुबह सुबह आता हूँ मैं यहाँ पर रोज़, कभी सुबह नहीं आ पाता तो शाम को आता हूँ। जो चींटियाँ होती हैं उनके लिए शक्कर और बूरा जो है उनको मिलाकर यहाँ उनके लिए लेके आता हूँ और उनके लिए सर्व करता हूँ। मैक्स टू मैक्स 2 से 4 मिनट लगती है, बट यह है कि दिल को तसल्ली मिल जाती है। और ये देखिए घर के पास ये मतलब थोड़ा सा दूर ही घर से एक बड़ा सा नदी और तालाब है, कुछ भी कह लीजिए। और यहाँ पर कछुए और मछली, और आप ताज्जुब नहीं करोगे यहाँ पर जो पानी में रहने वाले सांप है ना, मतलब जो पानी में आराम से तैर लेते हैं वो भी यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम थोड़ा सा आटा लेके आते हैं रोज रेगुलरली, और वो यहाँ पर इन सबको डालते हैं ताकि मतलब ये जो चीज़ें हैं हमको जो है एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दें। वो देख रहे हो आप, वो वहाँ पे बंदर नहा रहे हैं सारे के सारे, जो बंदर है वो मटरगस्ती कर रहे हैं, ठीक है। शायद आपको दिख भी रहा होगा, अब देखिए ये देखिए कछुआ है ना, और मछलियाँ तो बहुत हैं, वो थोड़ा सा दूसरी तरफ है, ठीक है। यदि मैं मछलियों को दिखाता तो फिर आपको ये लगता है कि सर इसमें कछुए नहीं है, और सांप भी हैं, ठीक है सांप भी है, बट वो है ना बीच बीच में से कभी कभी निकलते हैं तो इसलिए वो कैमरे में आ नहीं पाए। और देखिए ये हमारे घर के सामने प्लॉट है, इसमें सारे बच्चे खेलते हैं, इनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ आ रहा हूँ, कैच कर। ठीक है बॉलिंग मेरी आएगी। और देखो ये पूरी हमारी क्रिकेट टीम है, ठीक है। ये हम टोटल मिला के 15-16 जने होते हैं और बड़े ही मजे से खेलते हैं, ठीक है। और मैं तो कहूंगा यदि आपके आसपास भी कोई प्लॉट है जहां बच्चे खेलते हो तो उनके साथ जाके जरूर खेलिएगा, ठीक है। आप यकीन मानिए इतना फ्रेश फील करेंगे ना आप, इतने इतने प्यारे बच्चे होते हैं और इतना 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 हंसाते हैं, इतनी बकैती करते हैं, आप ये समझिए कि अच्छे अच्छे वकील भी इनके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। आपस में इतना लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और हंसी मजाक करेंगे कि इनको देख के ही आप जो है एक आपकी जो वाइब्स है ना वो बदल जाएंगी, ठीक है। तो बड़ा मजा आता है, मतलब कभी ट्राई करिएगा बच्चों के साथ जाके खेलने का, सबका अपना अपना मजा है ना, और लाइफ को पूरी तरीके से जीना है आप लोगों ने। देखिए अब रात हो चुकी है, और रात होने का मतलब ये है कि अब जो हमारे घर के बाहर पहरेदार बैठे रहते हैं, ठीक है, पहरेदार यानी कि जो कुत्ते बैठे रहते हैं हमारे, और जो वफादार कुत्ते मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, तो उनके लिए अब रात का थोड़ा सा बिस्कुट वगैरह और जो खाना है वो सब उनको दिया जाएगा। और देखिए आप, मैं घर ही पर उनको बुलाऊँगा और बड़े प्यार से वो लोग खाते हैं यार, बड़ा मज़ा आता है मतलब मेरे को ना। अब नहीं, उसी में डाल लो, उसी को लेके डालो, ला ला ला। नहीं अभी पहले इसको खान दो,
बाबू पहले हाँ अंदर रख के आओ। जाओ डर लग रहा है बाबू। सो दिस इज हाउ माई एंटायर डेज गोज, ठीक है। और ये कुछ छोटे छोटे से काम है जो मैं करता हूँ डेली, और मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए, ठीक है। और चाहे आप किसी भी धर्म के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात ये है कि नेचर के प्रति या यूनिवर्स के प्रति जितने भी आप ज़्यादा उदारवाद रहोगे, वैसा ही जो यूनिवर्स है वो आपको रिवर्ट बैक करके देगा, है ना। तो करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत खुशियाँ देंगी, आपको मेंटल पीस देंगी, आपकी जो आत्मा है उसको शांति देंगी, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा करने के बाद। रियली एक बार, एक दो बार करके देखिएगा खुद से, कुछ भी करिए। चाहे आप अगर अभी तक आपने कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं किया, तो धीरे धीरे करके करके देखना, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, ठीक है। योर इनर सेंस, योर इनर सोल विल बी लाइक काइंड ऑफ, जो आपकी वाइब्स है ना वो बदलने लगेंगी धीरे धीरे। तो ये मेरा डेली रूटीन था। आप कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोगों को अच्छा लगा और कितने लोगों को नहीं अच्छा लगा। और बाकी आने वाले दिनों में हम जल्दी एक मंथली वीडियो भी लेके आएंगे कि दो तीन महीने के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, उसके भी वीडियो में जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा।